फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्चुअल रेसिपी चैनल। आज हम एप्पल हलवा बना रहे हैं। तो इस तरह से मैंने बड़ा वाला एप्पल ले लिया है, तो इसे हमें करना है कद्दूकस। ये देखिए, इसे कद्दूकस कर लिया है। थोड़े से छिलके मैंने बाकी रखे, चाहे तो आप पूरा हटा सकते हो, पर अगर छिलके ही निकाल लिए तो पूरा उसका विटामिन चला जाता है, तो मैंने थोड़े बहुत रखे हैं। आप चाहे तो पूरा इसको हटा सकते हो। तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी हमने कढ़ाई रख दी है, तो इस पर डालते हैं घी। के साथ डाल लेते हैं एप्पल, इसे हमने कद्दूकस किया है, और इसे हम चलाते हैं। इसे चलाते हुए पकाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है और टेस्टी भी होता है। अगर आपका उपवास होगा फास्ट, कभी भी आप इसे खा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उपवास होता है तो दूसरा हम कुछ नमक वाला नहीं खा सकते, और सिर्फ एप्पल या फ्रूट्स खाने से भी किसी को अच्छा नहीं लगता है, या फिर कुछ और खाने का मन करता है। तो इससे आपको एप्पल तो खाना है, तो आप डायरेक्टली न खाते हुए इस तरह से भी आप खा सकते हैं। इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून जितना काजू पाउडर। आप इसके पीसेस भी डाल सकते हो, पर मैं इस तरह से पाउडर बना के रखती हूँ। और 2 टेबलस्पून जितना बादाम पाउडर। आपको ड्राई फ्रूट जो भी डालना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अभी वापस इसे हम चलाते हैं। इसमें डालेंगे ड्राई और थोड़ा सा घी ऐड करके वापस इसे हमें अच्छी तरह से चला लिया है। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे शक्कर 2 टेबलस्पून जितनी। वापस इसे चलाते हैं। अभी चलाते हैं, हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हमारा यह हलवा बनेगा। अभी देखिए, ये कढ़ाई को छोड़ रहा है। और इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, मुंह में तुरंत घुल जाए, इस तरह से बढ़िया सा प्यारा सा हलवा ये। और कम टाइम में भी आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हो। ना इसे टाइम ज़्यादा टाइम लगता है, और यह खाने में भी बड़ा मज़ेदार है। ये देखो, ये देखिए, बड़ा प्यारा सा बन गया है। तो गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ, और इसे हम लेते हैं सर्विंग प्लेट में। गर्मा गर्म एप्पल हलवा। ये देखिए, एकदम जबरदस्त टेस्टी यम्मी। ये देखिए प्यारा सा हलवा। ये देखिए लचकेदार, एकदम लचकेदार।
ऊपर से थोड़ा काजू का पाउडर डाल देती हूँ। तो इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और आप इसे ज़रूर बना के देखिए। आपको ये रेसिपी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।